हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग वेरी वॉम वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल निखिल मिस्त्री साइंस लर्न विद फन फ्रेंड्स आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एट्थ स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चैप्टर नंबर फोर कि जिसका टाइटल है मटेरियल्स मेटल और नॉन मेटल्स ओके उसके पार्ट थ्री के बारे में कि जो कि इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है और इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है आज यहाँ पे फिनिश हो जाएगा तो आपको यहाँ पे क्या बोला है रिएक्शन विथ एसिड्स तो फ्रेंड्स इसके बारे में हमने आगे जो बेसिक ऑफ केमिस्ट्री था उसके वीडियो के अंदर हमने डिस्कशन किया है रिएक्शन विथ एसिड्स की बात करते हैं तो जो भी मेटल और नॉन मेटल्स है वो एसिड्स के साथ कैसा बिहेव करते हैं किस टाइप का रिएक्शंस वो आपको देते हैं तो यहाँ पे एक्टिविटी के फॉर्म में आपको दिया हुआ है और आपको यहाँ पे वार्निंग भी दी हुई है कि अगर आप ये एक्टिविटी करते हो तो जो भी टेस्ट ट्यूब है वो अपने फेस से थोड़ा दूर रखिए ताकि कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट आपको ना हो तो आपको यहाँ पे सैंपल्स लेने हैं मेटल और नॉन मेटल्स के और सेपरेट टेस्ट ट्यूब ए बी सी डी ई और एफ़ के अंदर रखने हैं और उसके ऊपर लेबल आपको लगाने हैं फिर ड्रॉपर की हेल्प की वजह से आपको 5 एम जितना डायलट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेस्ट ट्यूब के अंदर लेना है वन बाई वन और वहाँ पर आपको उसके अंदर एड करना है और जो भी उसका रिएक्शंस है वो आपको नोटिस करना है ओके okay, कौन सा सॉल्यूशंस है जो भी आपकी ट्यूब है उसमें कौन सा कोल्ड सॉल्यूशन है और कौन सा हॉट है ओके okay, तो वो आपको यहाँ पे देखना है और ऊपर आपको क्या करना है तो मैच स्टिक रखनी है बर्निंग जलती हुई ओके okay, और आपको चेक करना है ये एक्टिविटी आपको रिपीट करनी है ओके okay, और आपको जो भी डाइलेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डायलट सर्फिलिक एसिड्स के साथ जो भी रिएक्शंस मिलते हैं वो आपको यहाँ पे लिखने हैं तो जब भी मेटल की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ प्रोसेस होती है तो मेटल के क्लोराइड मिलते हैं और क्या होता है हाइड्रोजन गैस फ्री होता है और मेटल के सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो आपको क्या मिलता है तो मेटल के सल्फेट मिलते हैं और साथ में क्या होता है तो भाई हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोजन गैस फ्री होता है तो यहाँ पर मैग्नीशियम का क्लोराइड मिलता है और वो हॉट होती है ओके okay, एल्युमिनियम तो एल्युमिनियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फ़ेट मिलते हैं और एच गैस फ्री होता है आयरन क्लोराइड और आयरन सल्फेट मिलते हैं एफ ई सी एल टू एंड एफ ई एस ओ उसी तरह कॉपर है तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है कॉपर क्लोराइड ओके और क्या मिलता है कॉपर सल्फेट और चारकोल और सल्फ़र है मतलब कि हमने जो पढ़ा था बेसिक ऑफ केमिस्ट्री के अंदर कि भाई नॉन मेटल के ऑक्साइड्स कभी भी क्या करते हैं तो भाई रिएक्शंस देते नहीं है नॉन मेटल है तो वो क्या करते कभी भी एसिड के साथ प्रोसेस देते नहीं है कभी भी उसकी एसिड के साथ प्रोसेस पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पे नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्शंस नहीं देते लेकिन जो भी मेटल होते हैं वो जब भी एसिड के साथ रिएक्शंस देते हैं तब पॉप अप साउंड क्रिएट होता है और जो भी मैच स्टिक आपने जो भी फ्लास्क के उसके ऊपर रखी थी तो वो क्या होती है जल्दी है फायर होती है और आपको यहाँ पे नॉन मेटल्स है वो जनरली क्या होते तो भाई एसिड के साथ रिएक्शन नहीं देते लेकिन जब भी मेटल्स होते हैं मेटल्स की प्रॉपरली बात करें तो मेटल एसिड के साथ रिएक्शन देते हैं पॉप अप साउंड यहाँ पे क्रिएट होता है ओके और पॉप अप साउंड क्रिएट होता है और साथ में क्या होती है मैस्टिक भी फायर होती है जलती है ओके तो यहाँ पर जो भी डायरेक्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और डायरेक्ट सल्फ्यूरिक एसिड है उसके साथ जो भी कॉपर है वो रिएक्शंस देता नहीं है यहाँ पे बेसिस की बात करें रिएक्शन विथ बेसिस की तो To be demonstrated by the teacher during the uh, preparation of the sodium hydro uh, hydrox, hydroxide solution, care should be the taken of the pellets of the sodium hydroxide. तो so, यहाँ पे आपको क्या करना है, तो so, fresh solution लेना है sodium hydroxide का test tube के अंदर three to four pellets जितना, okay, और आपको यहाँ पे five ml water लेना है, और फिर आपको क्या करना है aluminium foil है तो उसके अंदर ये पीस को क्या करना है रब करना है और रब करने के बाद आपको क्या करना है तो जो भी टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर आपको धीरे से सोडियम हाइड्रोक्साइड से उसके पार्टिकल्स आपको डालने हैं तो आपको वहाँ पे क्या होता है पॉप साउंड इंडिकेट होता है पॉप साउंड आपको वहाँ पे क्या होता है सुनाई देता है तो वहाँ पे इसका मतलब क्या है कि भाई हाइड्रोजन गैस वहाँ पे क्या हुआ फ्री हुआ या तो हाइड्रोजन गैस वहाँ पे प्रोड्यूस होता है तो मेटल भी क्या करता है तो भाई मेटल सोडियम हाइड्रोक्साइड मैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके आपको हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करके देता है और जो भी नॉन मेटल है तो वो क्या है तो भाई कॉम्प्लेक्स है इसका जो भी रिएक्शन है बेसिस के साथ वो भी क्या है कॉम्प्लेक्स है उसके बाद आपको दिया हुआ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है तो मोर पावरफुल जो सब्सटेंस होता है वो अपने से कम पावर वाले सब्सटेंस को रिमूव करता है और उसकी प्लेस वो लेता है तो यहाँ पे आपको एक्टिविटी दी है आपको करना क्या है तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन और आयरन आपने लिया हुआ है और ये एक्टिविटी क्लास सेवन के अंदर आपने की हुई है तो आपको हंड्रेड एम के बीकर लेने हैं फाइव बीकर ए बी सी डी और ई e, उसके अंदर फिफ्टी एम आपको वाटर हर एक के अंदर लेना है और टी जितना जो भी सब्सटेंस है वो आपको वहाँ पर डालना है कीप द बीकर अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर सम टाइम मतलब कि बीकर को आपको स्टडी रखना है और जो भी आपको ऑब्जर्वेशन दिखता है वो आपको लिखना है तो आप देख सकते हो तो भाई यहाँ पे जो भी कॉपर है तो कॉपर की रिएक्शंस आपको देखने को कॉपर वहाँ से फ्री होता है तो आपको जेडन क्या है मोर पावरफुल है तो आपको जिंक सल्फ़ेट मिलता है और दूसरे में एफी एस मतलब कि फेरस सल्फ़ेट आपको मिलता है और बाकी के जो सब्सटेंस है उसमें आपको कोई चेंज देखने को मिलता नहीं है बीकर ए के अंदर कॉपर सल्फेट प्लस जिंक बीकर बी के अंदर कॉपर सल्फेट प्लस आयरन नैल एफी बीकर सी के अंदर जिंक सल्फेट प्लस कॉपर ट्यूमिंग्स बीकर डी के अंदर आयरन सल्फेट प्लस कॉपर ट्यूमिंग्स और बीकर ई e के अंदर जिंक सल्फेट प्लस आयरन नेल तो यहाँ पे कलर चेंज आप देख सकते हो बीकर ए के अंदर और बीकर बी के अंदर आपको कलर चेंजिंग दिखाई देता है तो वो किसकी वजह से है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की वजह से है तो यहाँ पे प्रोसेस कौन सी पॉसिबल है तो आप देख सकते हो बीकर ए के अंदर आपने एक्वाइज सॉल्यूशन लिया हुआ है कौन सा है तो बीकर के अंदर जिंक क्या करता है तो भाई कॉपर को रिप्लेस करता है जिंक क्या करता है कॉपर को रिप्लेस करता है ओके okay? तो वो क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट हुआ और आपको यहाँ पे सॉल्यूशंस में दिया हुआ है कि कॉपर सल्फेट की प्रोसेस सी ओ फोर का जो भी ब्लू सॉल्यूशन है उसकी जिंक के साथ प्रोसेस करते हो तो जिंक सल्फेट मिलता है जैडन एसओ फोर कि जो क्या होता है कलरलेस हो जाता है और जो भी कॉपर है वो आपको रेड कलर में सेपरेट मिलता है तो उसी तरह बीकर बी की हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं तो बीकर बी के अंदर भी आपको डिस्प्लेसमेंट दिखाई देता है ओके तो बीकर बी के अंदर क्या होगा तो भाई आप देख सकते हो जो भी आयरन है वो क्या करता है कॉपर को डिस्प्लेस करता है आयरन सल्फेट बनाता है और ग्रीन कलर में जो भी कॉपर है वो फ्री होता है लेकिन बीकर सी डी और ई e में आपको कोई भी टाइप का चेंजेस देखने को मिलता नहीं है क्यों नहीं मिलता है तो भाई सीधी बात है वो सब सब्सटेंस है वो क्या है तो भाई उसकी जो भी पावर है वो कम है वो डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि ज़्यादा पावर वाले सब्सटेंस ही क्या करते हैं अपने से कम पाले कम पावर वाले सब्सटेंस को डिस्प्लेस करते हैं तो यहाँ पे ये जो मैटर है ओके okay, तो जिंक से कोई मोर रिएक्टिव सब्सटेंस हो तो वो क्या है तो जिंक क्या है तो भाई कॉपर और आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है मतलब कि वो यहाँ पर डिसप्लेसमेंट देता है ओके लेस रिएक्टिव सब्सटेंस कभी भी डिसप्लेसमेंट देते नहीं है ओके okay, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन बीकर डी एंड ई अल्सो कैन यू गेस द सीक्वेंस ऑफ द मेटल फ्रॉम मोर रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव अमॉन्ग द जिंक आयरन एंड कॉपर उसके बाद आपको यह दिया हुआ है यूजिस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल तो आपको यहाँ पे जो भी मशीनरी पार्ट्स होते हैं जैसे कि ऑटोमोबाइल्स से एरोप्लेन से ट्रेन से सेटेलाइट्स से इंडस्ट्रियल गैजेट्स है कुकिंग यूटेंसिल्स है वाटर बॉयलर्स है तो वो सब आप किस में से बनाते हो तो आप मेटल में से बनाते हो लेकिन बहुत सारी नॉन मेटल ऐसी भी है कि जिसका हम यूज़ करते हैं तो नॉन मेटल भी हमारी लाइफ में क्या है रिक्वायर्ड है एसेंशियल है जैसे कि ऑक्सीजन है तो वो नॉन मेटल है और जिसका हम मैक्सिमम यूज़ क्या करते हैं तो भाई रेस्परेशन के अंदर करते हैं ओके नॉन मेटल का यूज़ फर्टिलाइज़र बनाने में होता है जैसे नाइट्रोजन है सल्फर है फॉस्फरस है ओके इन सब का यूज़ हम नॉन मेटल ये सब नॉन मेटल इसका यूज़ फर्टिलाइज़र बनाने में करते हैं नॉन मेटल का यूज़ हम वाटर के प्योरीफिकेशन में करते हैं मतलब कि जो भी क्लोरीन है क्लोरीन का यूज़ हम वाटर प्योरीफिकेशन में करते हैं उसके बाद नॉन मेटल इज़ यूज़ इन क्रैकर्स फायर क्रैकर्स के अंदर में नॉन मेटल का यूज़ किया जाता है ओके okay, जिसमें मोस्टली क्या होता है तो भाई फॉस्फोरस या सल्फरस होते हैं पर्पल कलर जो भी सॉल्यूशंस होता है ओके okay, तो वो क्या होता है एंटीसेप्टिक सेप्टिक के फॉर्म में यूज़ होता है कि जो भी क्या है नॉन मेटल है एंड नॉन मेटल्स यूज इन क्रैकर्स यू में एड सम मोर यूज ऑफ द मेटल्स ओके बहुत सारे ऐसे भी यूजिस हैं नॉन मेटल्स के इसके अलावा कि जो आपने एक्सपीरियंस किए होंगे तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ये यह जो बात है तो वो हमने आगे बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में चला दी थी एलिमेंट के बारे में दिया हुआ है कि जो नाइन्थ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है तो यहाँ पर ये यह जो चीज़ है वो जस्ट आपके इन्फो के फॉर्म में है एग्ज़ाम में कहीं पर भी आपको ये पूछी जाएगी नहीं ओके okay, और यहाँ पे जो भी मेटल है एलिमेंट है तो एलिमेंट क्या है तो कोई भी सब्सटेंस का जो भी बेसिक होता है ओके फर्स्ट सब पार्टिकल्स उसको आप क्या बोल सकते हो एलिमेंट बोल सकते हो और जो भी यहाँ पे सब्सटेंस है उसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है कि जो हमने बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ा था मेटल नॉन मेटल एंड मेटेलाइड्स ओके तो यहाँ पर उसके बारे में आपको दिया हुआ है और वो कैसे रिएक्शंस देते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे इंफो दी हुई है ओके तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स वीडियो के ऊपर कमेंट कर दीजिए और वीडियो को मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग थैंक्स फॉर सपोर्टिंग यहाँ पे आपका ये जो चैप्टर नंबर फोर है वो यहाँ पे ओवर हो रहा है ओके और हम नेक्स्ट अब स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर फाइव कॉल एंड पेट्रोलियम